आस्था का महापर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और छठ पूजा के महत्ता की बात कर ली जाए तो पूरे बिहार और यूपी में अलग ही महत्व रखता है छठ महापर्व। और छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला, आज उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ पूजा समापन हो गया। और 36 घंटों तक छठ व्रतियों ने उपवास रखा। और सीधे तौर पर बात कर ली जाए तो छठ पूजा को लेकर विशेष तौर पर बिहार सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई थी। जो भी खतरनाक घाट थे वहां पे छठ व्रतियों को जाने के लिए पूरे तरीके से मना किया गया था। और जो नियमावली तैयार की गई थी उसके तहत जो भी आदेश पारित किया गया था, जिन घाटों पे जाना था वहां पे छठ व्रतियों ने जाके उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया। और कहीं ना कहीं सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि छठ महिमा की महिमा जो अपरंपार है। और सीधे तौर पे जो लोग अगर घाट पर नहीं गए वो अपने छत पे उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया। और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे होंगे कि किस प्रकार से जो दृश्य है वो काफ़ी आकर्षक दृश्य है, मनमोहक दृश्य है। और जिस प्रकार से लगातार अगर सभ्यता और संस्कृति की बात कर ली जाए छठ पूजा की, तो ऐसी मान्यता है कि छठ माह से जो भी सच्चे मन से मांगा जाता है वो तमाम मुरादें है वो पूरी होती है। हम आपको एक छठ का नज़ारा दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से तमाम जो यहाँ पे लोग पहुँचे वो उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद लगातार जो भगवान भास्कर है उनका कहीं ना कहीं ध्यान लगा रहे हैं। और सीधे तौर पे छठ पूजा में सबसे जो महत्व रखता है ये प्राकृतिक पर्व है। और इसमें जो डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। हमारे साथ कुछ छठ व्रती, उनसे बात करेंगे कि आखिर कब से करते आ रही है और कितना महत्व है। कब से छठ करते आ रही है? 15 सालों से छठ करते आ रहे हैं। 36 घंटे का उपवास रहता है, किसी तरह का परेशानी? किसी तरह के परेशानी नहीं होता है। उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया, उगते हुए सूर्य के अर्घ दिया गया। क्या कुछ कामना की? कुछ कामना की समाज के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, सब कोई के लिए। सीधे तौर पे आपको हम दिखाना चाह रहे हैं कि अगर छठ पूजा के महत्ता की बात कर ली जाए तो तमाम जो सूपों को रखा जाता है और उसके बाद जो छठ महापर्व जो छठ में मनाया गया है, किस प्रकार से तब और गंगा जल रख के उसके बाद तमाम चीज़ों को तैयारी करते हुए उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया। कुछ हमारे साथ लोग हैं, कितना महत्व है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पे उगते हुए सूर्य को अर्घ दे दिया। और ऐसी मान्यता है कि जो भी आप सच्चे मन से मुरादे मांगिएगा वो तमाम चीज़ें आपको कहीं ना कहीं प्राप्त होगी। और हमारी भी छठ मैया से कामना रहेगी कि तमाम लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें।